वेलकम बैक इरफान साहब. सियासत तो आपने बचपन से ही देखी है घर के अंदर जनाब, तो बचपन में भी क्या यही डिस्कस होता था, वोटर इलेक्शन? बिकॉज इतना सियासी घराना जब रहा हो. मैं जी आई एम द 8th जनरेशन जी. वही ना, तो मतलब जनरेशन और कोई और बात होती थी वैसे कभी डाइनिंग टेबल पे? ठीक है जी, सर्विंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान. मुझे याद है कि नाना जी व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए और हमारे सबसे पहले खुद 3,000 मुरबे दोनों भाइयों के थे, रियाज दौलताना और मुमताज़ दौलताना. तो उन्होंने 3,000 मुरबे में से 100 मुरबे खुद रखे और 2,900 मुरबे लोगों में दे दिए. वो मेरा ज़ाहिर तौर पर जहन है कि हर वक्त सिर्फ पैसे का सोचने का फ़ायदा नहीं होता, इंसान लोगों के लिए खिदमत भी करे. अब वालदा कल जा रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह शायद कल साथ जाऊँ. तो जितने मियां नवाज शरीफ साहब का जो हुक्म आया है कि जहाँ जहाँ लोग अफेक्टेड हैं, ज़्यादातर डीजी खान वाली साइड पे हैं, तो वहाँ जाके हम सारे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के मिल के पॉलिटिशियंस और मुस्लिम लीग के लोग मिल के इंशाल्लाह ताला उधर खिदमत करेंगे और अपने जो हमारे भाई तकलीफ में उनके लिए. बस भाई तुहानू पुछना चाह रहे हैं लोगों को अवेयरनेस, जिस तरह हर चौक दे विच कोई टेंट लगे ने, पैसे बंदा इकट्ठे कर रहा है सलाब जदगान वास्ते, ये लोग दे भी रहे ने, इहदे च किन्नी कु हकीकत है कि पैसे उन्हां तक पहुँचणगे या नहीं पहुँचणगे? यार ये एक बड़ा अजीब सा एक कंफ्यूजिंग किस्म का अलमिया है कि किसके पैसे. एक तो पहली बात ये कि आपकी नियत है. हाँ जी, वो तो है, सबसे प्राइमरी चीज है कि आप दे रहे हैं. दूसरा ये कि थोड़ी सी तहकीक कर लें कि जो ट्रस्टेड इदारे हैं तो उनके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा रिलाय कर लें, रादर देन के बिल्कुल ही किसी आप ऐरे गहरे को पैसे दे दें. अगर थोड़ी सी उस पर तहकीक की जरूरत होती है कि कौन से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस वक्त ऑलरेडी अंदर बिजी हैं उसमें. और फिर बहुत से लोग अब आम जान पहचान के ऊपर भी, मुझे लगता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज के अंदर भी लोग बहुत निकल रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी, तो इस तरह. और फिर प्राइम मिनिस्टर का भी फंड है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी है, गवर्नमेंट ऑफ केपी का भी है, इस तरह के बहुत से फंड्स आ रहे हैं. थोड़ा सा बस तहकीक करके चलें, मुझे लगता है तो ये एक वाहिद तरीका. आप अगर हर बंदा जो आए उसे नहीं देने चाहिए कि जड़ा भी आया, मतलब ये नहीं रहा कि आप कोई बिल्कुल चौक पे खड़ा होकर आपसे कह रहे हैं कि जी हम उसके लिए पैसे इकट्ठे करें. मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है वो कि आप कुछ तो देखे ना, सिर्फ एक डब्बे पे वो ना लगा के आ जाए कोई आपके पास के चंदा इकट्ठा. मेरा ज़ाहिर तौर पर ज़हन है कि इस वक्त तमाम लोगों को मिल के खुद पहुंचना चाहिए जितने पहुंच सकें, और ख़ुद वहां लोगों के पास जाएंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा बनस्बत के यहाँ पे आप पैसे पकड़ा दें. उसके अलावा मुझे लगता है एक तो ये कि चलें हर एक इंसान की कैपेसिटी भी नहीं है कि वो वहाँ पहुँच सके, दूसरा ये कि हर कोई वहाँ नहीं पहुँच सके क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है उनको भी रिलीफ प्रोवाइड करना है एज़ कम्पेयर टू के और एक उनके ऊपर आ जाओ. और ऑफकोर्स बहुत सी दुनिया जा रही है जो कि एक्चुअली इमदादी काम करने और इमदादी चीज़ें ले के साथ जा रही है जी. तो मेरे ख्याल से वो जो अभी जो कर रहे हैं अगर उसी पर हम थोड़ी तहकीक करें तो बहुत एक्टिवली लोग परसू कर रहे हैं और बड़े मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वॉक्स ऑफ लाइफ से आपको मिलेंगे, फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू फिलैंथ्रोपिस्ट टू बिजनेसमैन टू सेलिब्रिटीज, बहुत सी दुनिया ये काम इस पर कर रही है. तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये आपके ऊपर है बिल्कुल. सर मुझे इरफान साहब ये बताएं कि सियासत तो एक है ही है आपकी जिंदगी का एक कॉन्स्टेंट अमल दखल, और फिर बिजनेस है जो कि करना होता है. कोई और हॉबी है क्या अपने लिए, क्या करते हैं? बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे जो हैं वो हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वो फिर घर में वाइफ जो है वो आफ्टर डूइंग अ मास्टर्स इन फाइनेंस एंड बैंकिंग वो अब आलमा बन रही हैं 18 ईयर्स ऑफ मैरिज. तो वो एक अच्छा घर में इस्लामी माहौल है और एक अल्लाह को याद किया जाता है. Do you like to spend time at home? जी बिल्कुल 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 होता है इन द फैमिली, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट ही आपके आपके बच्चे होते हैं. तो अगर आप उनकी परवरिश ना सही कर सकें और इफ़ दे डोंट टर्न टू बी गुड ह्यूमन बींग्स, तो आपका सबसे बड़ा तो यही फेलियर है, ताकि वो आगे कॉन्ट्रीब्यूट करें. और इस मतलब है हमारे मुल्क को बड़ी ज़रूरत है कि सही लोग आएँ और उसको सही डायरेक्शन में ले के जाएँ और ये जो मसाइल हमारे पे आए हुए हैं वो हल हों. आप मैडम कोई और है ऐसी चीज जो अपने लिए करती हो? मेकअप, मॉडलिंग ही आप अपने लिए भी करती हैं, सबके लिए भी करती हैं. जब मॉडलिंग नहीं कर रही होती किसी दिन तो तब क्या करना पसंद करती हैं? भांडे मांज रहे होंदे ने घर कर दे मैं अपने रूटीन नहीं पूछी क्या रेस्ट करती हूं? रेस्ट करती हैं बस घर पे पड़े सो ही रहती हूं, कुछ भी नहीं. और कोई फ्रेंड्स, कोई आउटिंग, कुछ नहीं? हां फ्रेंड्स के साथ तो डेली बाहर जाती हूं. डेली बाहर जाती हैं? वो तो बड़ा खर्चा हो जाता होगा डेली बाहर. तो फ्रेंड्स प्यारे हैं? फ्रेंड्स प्यारी हैं मेरी, लेकिन आप मुझे लगती है इस सब फ्रेंड में से आप सबसे प्यारी हैं. हाय हाय हाय, क्योंकि मैं भी ये तीनों में से सबसे प्यारा हूं इसलिए. जित
लेकिन आप मुझे प्यारी लग रही हैं। क्या उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा उधर से आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मुझे किसी ने कहा था कि आज वो लड़की आएगी जो आपको प्यारा समझेगी, तो क्या फिर जहन है आपका जिंदगी में? आप भी अभी सिंगल हैं, मैं भी तकरीबन सिंगल हूँ। पूछना चाह रहा था कि है कोई जहन मेरे बारे में? नहीं, मुझे सिंगल रहना। ना समझो फिर है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ऐसे वैसे जिंदगी में होता है ना, कोई आइडियल होता है कि ऐसा शख्स हो जो पसंद होता है। फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। ख्वाबों का शहजादा जो होता है फिलहाल कोई भी नहीं। पूछो कैसा इरादा, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है नहीं वो नहीं, जिससे मेरी वाइब्स मैच हो। ओ जना मुंह साफ करी था। अब मेरे और वासे में के वाइब जो मैच नहीं करते, वो इसलिए कि वो अपने मंगवाते हैं, मैं अपने मंगवाता हूं। जब किसी को जानते हैं फिर आपको पता चलता है कि आपकी वाइब्स मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही। आपके क्या वाइब्स, आपकी क्या वाइब्स, कौन से करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? या नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस मैं कहती हूं कि मेरी वाइब्स मैच हो, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूं बस। बाकी प्यारा ना हो, कंफर्टेबल तो आप सोफे पे बैठ के भी हो सकती हैं, वाइब क्या होगी इसमें? इसलिए तो कह रही हूं मैं सिंगल ही ठीक हूं। मेरी वाइब क्या है? हाँ जी, कभी सोचा आपने इसके बारे में? सबसे पहले तो मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस